पीपल, वेलकम टू आर अनदर ब्लॉग। और आज है रीगा का जन्मदिन। तो भाई सर नोमान, आज है रीगा का जन्मदिन और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ओल्ड टाउन में किस तरह के सेलिब्रेशन हो रहे हैं। आई एम श्योर आपको मज़ा आ जाएगा देख के किस तरह के सेलिब्रेशन हो रहा है। उधर आपको ओपरा की आवाज़ आ रही होगी आपको उधर से, तो मैं आपको उधर ही ले जा रहा हूँ और फिर मैं छोटा सा टूर दूंगा कि कहाँ का क्या क्या हो रहा है, जितना कवर कर सकता हूँ फटाफट कर लूँगा क्योंकि मुझे घर भी जाना है। चलिए फटाफट शुरू कर रहे हैं। आप वहां देखेंगे तो एक लेडी ओपरा गा रही है, मैं आपको वहीं लेके चल रहा हूँ और देखूंगा कि कहाँ से घुस सकते हैं। हम यहाँ से नहीं घुस सकते शायद, यहाँ ऑलरेडी चेयर डली हुई है, पर देखते हैं अंदर से घुस जाते हैं क्या दिक्कत है। Un pie klavierēm Normunds Vaicis arī viņam. Bravo! Tas tik tiešām bija skaisti un burvīgi. Un tas jau ilgst vairākas stundas. Tieši tāpēc mums ir... Irmaji, tāpēc. ऑडी को साइड जाएगा उधर कुछ होगा कहाँ उधर कुछ यहाँ कुछ कुछ ड्रिंक्स हैं। अगर आप देखोगे तो ये कुछ कुछ ड्रिंक्स हैं और इसमें नॉनवेज में पॉर्क सबसे ज़्यादा होता है। ये तो बोतल है, बंगाली की बोतल होती है, एक यूरो की बोतल मिल रही है पानी की, मतलब कि 100 रुपये की तकरीबन। हाउस मेड लेमनेड है और कुछ कुछ है और मैं आपको दिखाता हूँ दिखता कैसा है। चलिए चलते हैं आगे और मैं दिखाता हूँ आपको और क्या क्या डेलिकेसी है यहाँ।
खाने भी यहाँ खाना सही यहाँ से कुछ है यहाँ अभी चलो मैं देख रहा हूँ वहाँ बड़ी खाली सा है आराम से देखेंगे इसमें तो आपको ड्रिंक्स लेने हैं तो यहाँ कॉकटेल मिल जाएंगे आपको मेला मिक्स कर दिया ये बड़े देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं ये मुझे पता नहीं खाने में कैसे लगते हैं पर ये देखना तो उनको खूबसूरत बनाना तो उनको बहुत अच्छे से आता है चलो चलें आगे वाले स्टॉल पे Happy birthday, Riga! Happy birthday, man! So, yeah, that's it. और मैं चलता हूँ उस तरफ बाहर की तरफ और आपको दिखाता हूँ ओल्ड टाउन में कैसे लग रहा है यहाँ तो ये रीगा की जन्मदिन है भाई और ये सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है यहाँ का तकरीबन ये इंडिपेंडेंस से भी बड़ा सेलिब्रेशन है यहाँ अरे मेरे पास वो नहीं है ट्रैपॉड मैं ट्राइपॉड लेके नहीं आया उससे ज़्यादा स्मूथ बनता है हाथ से तो हाथ दब जाता है काफ़ी भीड़ है आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है इतना ज़्यादा रश भी नहीं दिखता है अक्सर यहाँ ओल्ड टाउन में पर आज रीगा का जन्मदिन है बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं और बहुत सारे यहाँ के लोकल लोग भी हैं जो यहाँ घूमने आए हैं टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हैं इस वक्त क्योंकि ये वाला जो मौसम है इसका समर्स का ये बहुत कम टाइम के लिए होता है कम ड्यूरेशन के लिए मैं आपको ले चला हूँ उस तरफ क्योंकि जहाँ सेलिब्रेशन कल हो रहा होगा हमने एक छोटा वीडियो बनाया था उसमें वो लोग काफ़ी डेकोरेट कर रहे थे तो मैं उसको आपको उस तरफ ले चल रहा हूँ आई एम श्योर फ्रीडम मॉन्यूमेंट के आसपास अच्छा खासा इन्होंने डेकोरेशन किया होगा और एक पीछे की तरफ भी डेकोरेशन किया था लास्ट कल जो हमने देखा था और भाई नोमान नोमान यार तुम भी कभी यहाँ से लड़के लड़की लेके घूमोगे यार हाथ पकड़ के हैं हम जा रहे तुम यहीं शादी कर लो कहाँ जाओगे यार कहाँ रख के खाओगे उधर तो आप देखो इतनी भीड़ मैंने शायद पहले भी यहाँ की वीडियो बनाए इतनी भीड़ तो मैंने कभी नहीं देखी यहाँ रीगा में खासकर ये से ओल्ड टाउन की इस एरिया में जहाँ से फ्रीडम मॉन्यूमेंट से हम अंदर की तरफ आते हैं तो हम फ्रीडम मॉन्यूमेंट की तरफ जा रहे हैं अभी और इतनी भीड़ तो मैंने नहीं देखी देख रहे हो कितनी भीड़ है आज Thank you.
अब यार ये जो पानी डला हुआ है ना, ये पानी बारिश का नहीं है, ये पानी है इस फुव्वारे का। जैसे हमारे यहाँ नहीं शादियों में मिस्ट छोड़ देते थे गर्मियों में, ऐसे ये लोग भी मिस्ट छोड़ देते हैं गर्मियों में, और ये यहाँ लगा देते हैं इस तरफ, तो ये उसी का पानी है। और ये यहाँ का रेस्टोरेंट है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट। यहाँ लाइव म्यूजिक आपको दिखेगा, और खासकर इसकी जो उसका जो एंटायर हेलो, तो इसका जो खासी जो खासियत है वो उसकी वैन्स है जो इसका इसकी शोभा बढ़ाती है। देखा जाए तो ये वाली वैन्स है, और एक यहाँ वैन देखोगे आप, एक ये वैन है जो इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है देखने में, इस एरिए को, पूरे एरिए को। वैसे अगर आप देखोगे तो रीगा में इतने फेस्टिव मूड में लोग दिखते नहीं है, पर आज बहुत ज़्यादा फेस्टिव मूड में दिख रहे हैं। मैं भी बड़ा हैरान हूँ, इतने खुश नहीं दिखते रीगा में लोग, ज़्यादातर परेशान रहते हैं और अपने काम से काम मतलब रखते हैं। आज तो चेहरों पर मुस्कान भी दिख रही है। और ये जो लगाया था, जो हमने कल देखा था यहाँ के, सिर्फ एज अ सिंबल सिंबलाइज किया है बस, कलरफुल देखा जाए तो पट्टियाँ लगा के, मतलब जन्मदिन उसका, रीगा का, अपनी सिटी का जन्मदिन को सिंबलाइज करने के लिए इन्होंने यहाँ बनाया है, ये और कुछ नहीं है। बाकी लोग यहाँ ऑर्केस्ट्रा में गाना गा रहे हैं, आप देख सकते हैं, और लोग आगे फोटो खिंचा रहे हैं, और क्या। आज कमाल की बात है, आज हवा भी बहुत अच्छी चल रही है इधर, उस हवा की वजह से ही और खूबसूरत लग रहा है देखने में। गाइज ये था छोटा सा टूर, आज जो बर्थडे पे सेलिब्रेशन हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाया क्योंकि मैं अभी ऑफिस से लौट रहा हूँ अपने, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा है पीछे फ्रीडम मॉन्यूमेंट जहाँ मैं खड़ा हूँ, और उस तरफ मैं आपको लेके गया था उस सारी सेलिब्रेशन को दिखाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।